नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबका भला करे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। माता रानी सबकी झोली में खुशियां भरे, इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धूप से कैसे होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी तांत्रिक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा अगर आपके जीवन में कोई और प्रॉब्लम है जिसका अनगिनत उपायों के बाद भी आप समाधान नहीं कर पा रहे हो तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से ख़त्म किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। नमस्कार। तो मित्रों अब बात करते हैं विधि के बारे में। तो विधि में सबसे पहले जान लेते हैं समय। तो समय होगा मंगलवार का दिन सुबह 11:30 से 12:30 के बीच में आपको ये उपाय शुरू करना है। 11 दिन का पूरा उपाय है। पक्ष होगा शुक्ल पक्ष। महीने में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। आपको ये उपाय करना है शुक्ल पक्ष में। तो मैं फिर से समझा देता हूँ। मंगलवार के दिन सुबह 11:30 से 12:30 के बीच में शुक्ल पक्ष के समय आपको ये उपाय करना है। 11 दिन का पूरा उपाय है, 11 दिन चलेगा। तो मित्रों अब बात करते हैं मेन विधि की। तो विधि में हमें सबसे पहले आसन बिछाकर सुबह 11:30 से 12:30 के बीच में दक्षिण की ओर मुख करके बैठना है। मित्रों ज्ञात रहे आसन बिछाकर ही बैठना है। और ये सब करने के बाद आपको जो मैं सामग्री बताऊं, ये सामग्री इकट्ठी रखनी है। एक धूप जो हम पूजा में यूज करते हैं वो धूप लेनी है। धूप थोड़ी बड़ी हो, काला कपड़ा लेना है मीडियम साइज का, छोटा ज़्यादा बड़ा नहीं तो ज़्यादा छोटा भी नहीं। और चंदन लेना है, गीला चंदन, और लेना है काला धागा। ये सब लेके आपको इस विधि की शुरुआत में बैठना है। दक्षिण की ओर मुख करके आसन बिछाकर 11:30 से 12:30 के बीच में। और फिर करना ये है कि सबसे पहले आपको जो वो धूप है वो जलानी है, और धूप को जलाकर आपको अपने सामने रखना है। और जो आपने कपड़ा लिया था उस कपड़े को उस धूप के धुएं के ऊपर घुमाना है, उस धुएं के ऊपर से घुमाना है। ऐसा करना है कि जो वो धुआं है वो आपके कपड़े को पार होके निकले और पूरे कपड़े पे वो धुआं लगे, ऐसा करना है। और फिर जब ये धूप पूरी तरीके से अस्त हो जाए, ज्ञात रहे मित्रों पूरी धूप जलनी, पूरी की पूरी जलनी चाहिए। ये धूप जब पूरी जल जाए तब इसकी जो राख बचे उस राख को उसी कपड़े में डाल लेना है। उसी कपड़े में डालने के बाद आपको उसकी पोटली बनाने नहीं है। और उस पोटली पे सबसे पहले जो हमने चंदन लिया था उस चंदन का एक तिलक उसी पोटली पे लगाना है, और उसका एक तिलक अपने सर पर लगाना है। यह कार्य करने के बाद आपको जो काला धागा है उसे उस पोटली को पूरी तरीके से बांध दीजिए चारों तरफ से, और उस पोटली को अपने फिर सीधे हाथ में लीजिए। मित्रों ध्यान रहे, ये जो भी कार्य मैंने बताया है वो एकदम ध्यानपूर्वक करें। सबसे पहले तो उस जो धूप है उसे जलाइए, उसके ऊपर से जो ये कपड़ा है वो पूरी तरीके से घुमा दीजिए, धुआं हर जगह लगना चाहिए। और फिर वो जब तक धूप जल रही है और जब तक वो राख ना हो जाए तब तक उसे जलने दें, तब तक उसी के सामने बैठे रहें। और वो सब उसके राख हो जाने के बाद उस राख को अपने इस कपड़े में डाल लीजिए, और जो काले कपड़े में डाल लीजिए, और फिर उस काले कपड़े की छोटी सी पोटली बना लीजिए, और फिर उसके ऊपर सबसे पहले चंदन से तिलक उसके करें और दूसरा तिलक अपने करें, और फिर उस पोटली को पूरी तरीके से काले धागे में लपेट लीजिए ऐसे कि वो पोटली का हिस्सा ज़्यादातर ना दिखे। और फिर उस पोटली को अपने सीधे हाथ में लेकर आपको एक मंत्र का जाप करना है, जो इस विधि का मेन हिस्सा है, क्योंकि तंत्र तभी काम करता है जब मंत्र बोला जाए। और मंत्र को मित्रों ध्यान से बोलना,
मंत्र में कोई गड़बड़ ना करें, क्योंकि तंत्र तभी काम करेगा जब आप मंत्र सही बोलोगे। तो मित्रों, मंत्र है श्री तंत्र रागिनी ज्वलित वस्त्रम मम कार्य सिद्ध कुरु एवं सामने वाले का नाम वशीकरण प्रदान कुरु। 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। फिर से मंत्र बोल देता हूँ। मंत्र है श्री तंत्र रागिनी ज्वलित वस्त्रम मम कार्य सिद्ध कुरु एवं सामने वाले का नाम वशीकरण प्रदान कुरु। 108 बार जाप कर लेने के बाद आपको इस पोटली को अपने पास रख लेना है और अपनी पॉकेट में डालकर या अपने पर्स में डालकर अपने काम में, बाकी के दिन के काम में लग जाना है। और मित्रों, रात होते समय, जब रात के 11:30 से 12:30 के बीच आपको करना ये है, पहले दिन ही करना ये है कि इस पोटली को थोड़ा सा खोलें और उसमें से थोड़ी सी राख अपना सर पर लगाएं तिलक के तौर पर, और फिर इस पोटली को वापस बंद कर दें और उसके ऊपर जो हमने चंदन यूज़ किया था उस चंदन को आपको संभाल कर रखना अगले 11 दिनों तक, और उसी चंदन से फिर उसके ऊपर एक और तिलक लगा लीजिए। ये कर लेने के बाद आप रात को सो जाइए और अगले दिन उठें, नहाए धोएं और अपना कार्य करने के बाद, सारे कार्य करने के बाद आपको इस उपाय को अगले दिन से, इस जो पोटली है उसको दिन से शुरू से तिलक लगाना शुरू कर देना है। नहा धोकर अपना पूजा पाठ वगैरह कर कर ये जो पोटली को थोड़ा सा खोला, इसमें से थोड़ा सा राख निकाली, तिलक लगाया और जो चंदन है उसमें से तिलक लगाया और फिर अपने पूरे दिन काम पे लग गए। मित्रों, ध्यान है, पोटली आपके पास रहनी ज़रूरी है। ये सब आपको अगले 11 दिनों तक करना है लगातार। जब 11वें दिन आप ये तिलक लगा लें और 11 दिन पूरे कंप्लीट हो जाएं, तब 11वें दिन की शाम को आपको इस पोटली को किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। वहाँ बैठ के शाम सूरज ढलने से पहले वहाँ बैठ के इसी मंत्र का जाप करना है। तो मैं मंत्र बोल देता हूँ। मंत्र है श्री तंत्र रागिनी ज्वलित वस्त्रम मम कार्य सिद्ध कुरु एवं सामने वाले का नाम वशीकरण प्रदान कुरु। 51 बार जाप करना है आपको उसको, और फिर उस पोटली को खोलकर उसकी जो राख है वो पेड़ के चारों ओर लगा देनी है, और उस जो धागा है और जो वस्त्र है उसको उसी पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है। ये सब कर लेने के बाद आपका ये उपाय यहीं समाप्त हो जाएगा। और जो हमने चंदन बचा था उस चंदन को आम कार्य की तरह हमेशा यूज करना है, उसका जब तक वो ख़त्म ना हो तब तक उसका तिलक लगाना है। तो मित्रों, ये कार्य हमारा यहीं समाप्त हो जाएगा। हम जिस व्यक्ति को चाहते थे, आप जिस व्यक्ति को के लिए ये कर रहे हो, उस व्यक्ति पे आपके वशीकरण का पूरा असर होगा। सामने वाला भी आपको उतना ही चाहने लगेगा जितना आप उसे चाहते हो, और वो हमेशा के लिए आपके पास आ जाएगा। आपको आपके परिणाम अगले 5 दिनों के भीतर भीतर मिल जाएंगे, और उन 5 दिनों में आपको ये करना है कि किसी भी शिव मंदिर में जाकर किसी भी शिवलिंग पर जलाभिषेक करके आए। मित्रों, आपको आपके सारे परिणाम मिल जाएंगे, जैसा चाहते हो वैसे परिणाम मिल जाएंगे। पर मित्रों, एक चीज़ का ध्यान रहे कि विधि में कोई गलती ना हो, विधि में कोई करने की नीयत गलत ना हो, और विधि में कोई गलती बिल्कुल भी ना करिए, क्योंकि गलत नीयत से और गलती से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मित्रों, ध्यान रहे कि आप किसी भी गलत नीयत से ये कार्य ना करें और विधि में गलती ना करें, आप ज़रूर सफल होंगे, हमारी मनोकामना है। मित्रों, विधि को लेकर अगर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई और प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को अस्त व्यस्त कर रखा हो, और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी हर समस्या को हल किया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराइए मत, आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी। मित्रों, माता रानी सबका भला करे, सबकी मनोकामना पूरी हो। मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो वीडियो को लाइक करें,
साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी तांत्रिक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योति से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें, आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता दी।